हेलो दोस्तों, वेलकम टू दाम आउट कोचिंग सेंटर। तो चलिए अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ते हैं, परसेंटेज पार्ट पे। आज क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम जो चुनाव से रिलेटेड थे दोस्तों, ठीक है। अब चुनाव से रिलेटेड अगर क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं तो उसके लिए थोड़ा सा पहले हमें एक चीज़ सीखनी पड़ेगी परसेंटेज में। क्या कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि परसेंट के अंदर कोई भी दो चीज़ मिलाकर 100% होती है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि एक कैंडिडेट को 80% वोट मिले तो दूसरा जो कैंडिडेट होगा उसको कितने मिलेंगे? 20%। क्या रही इसकी वजह? क्योंकि प्रतिशत में दोनों चीज़ें मिलाकर हमेशा क्या होते हैं? 100%, ठीक है। अब बात आ जाती है, हम जो आज क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? देखो, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं। क्यों है इसमें फ़ायदा? कि देखो, जितने भी चुनाव से रिलेटेड जितने भी चीज़ें बनती हैं, जितने भी कंसेप्ट होते हैं, हर पार्ट पे क्वेश्चन बन सकता है। कैसे कर भी? जैसे चुनाव में लोग चुनाव लड़ते हैं, कुछ हारते हैं, कुछ जीतते हैं, कुछ वोट कैंसिल हो जाते हैं, कुछ वोटों से हार जीत, यानी कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान जितनी भी चीज़ें पॉसिबल हैं उस हर पॉइंट पे क्वेश्चन हमारा बन सकता है। तो इसलिए उसे हर चीज़ को हमें डिस्कस करके चलना पड़ेगा कि हमारे क्या क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बट इतनी बात याद रखना, नॉर्मली इलेक्शन होता है तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं, बट अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर केवल दो ही कैंडिडेट होंगे जो चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों को मिलने वाला वोट परसेंट क्या होगा मिलाकर? पूरा 100%। क्लियर है दोस्तों? आइए तो बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ, पहले क्वेश्चन की तरफ। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को 41% वोट प्राप्त हुए और वह 5580 वोटों से पराजित हो गया, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, इन सवालों को हल करने के लिए लैंग्वेज पे कमांड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। कैसे कमांड होना जरूरी है, बहुत ध्यान से समझना। अब अगर मैं चुनाव की बात करूं तो चुनाव में जो टोटल वोट होंगे कितने होंगे दोस्तों? सभी को पता है 100% वोट दो लोगों में बटे, एक जीत गया और दूसरा हार गया। क्वेश्चन कह रहा है हारने वाले को 41% वोट मिला। अगर हारने वाले को 41% मिलेगा तो जीतने वाले को कितना मिलेगा दोस्तों? 59%, क्योंकि दोनों मिलाकर क्या है? 100%। अब अगर एक बात देखो, इससे कोई पूछेगा कि 41% मिले हैं, इससे कोई पूछेगा तो कितना बताएगा? 59% बताएगा। अगर मैं देखना चाहूं कि कितने परसेंट से हार गया, तो मेरे भाइयों कितने से हारा है? 18% से। देखो, हमारे पास परसेंट में सारी चीजें हैं, क्लियर है। जैसे हम वोटों की संख्याओं में बोलते हैं ना, कभी आपने देखा होगा चुनाव वगैरह के दौरान अक्सर कमेंट आते हैं, स्टेटमेंट आते हैं कि इस नेता ने 5 लाख वोटों से जीत दर्ज की, इस नेता ने 32,000 वोटों से जीत दर्ज की, भारी बहुमत से अपना वर्चस्व कायम किया। ऐसी प्रभावशाली जो लैंग्वेज आती है ना, तो उसी लैंग्वेज को हमें कमांड करनी है। क्वेश्चन ने बोला है कि हारने वाला जो कैंडिडेट है वो 5580 वोटों से हारा है। दोस्तों, इसको समझना जरूरी है कि 5580 हमारा क्या है, ठीक है। तो देखो, क्योंकि जो यूनिट इसकी होगी परसेंट में से हमें वही यूनिट उठानी है। जैसे अगर ये 5580 हारने वाले के वोट होते तो ये 5580 कितने के बराबर होता? 41% के बराबर होता। मान लो ये 5580 जीतने वाले के वोट होते तो किसके बराबर आता दोस्तों? ये फिर 59 के बराबर होता। मान लो ये 5580 दोनों का अंतर होता तो फिर ये किसके बराबर होता? 18। बात आ जाती है एग्जाम में लैंग्वेज के ऊपर। तो कभी आपसे वो ये नहीं बोलेगा, इतनी आसान भाषा नहीं देगा कि दोनों के बीच का जो अंतर है वो 5580 है। ऐसी लैंग्वेज यूज करेगा ताकि तुम उनमें फंस पाओ, ठीक है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं 5000 वोटों से जीत गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास हारने वाले से 5000 वोट ज्यादा आए हैं।
अब मेरे पास अगर 5,000 वोट ज़्यादा आए हैं तो मेरा और उसका अंतर ही है तो है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ ये 5,580 जो है ये मेरा क्या है, जीतने वाले का और हारने वाले का दोस्तों डिफरेंस। क्लियर है सभी को? अब अगर मैं यहाँ डिफरेंस 5,580 है और मेरे परसेंट में डिफरेंस कितना है 18%, तो इसका मतलब 18% किसके बराबर है, 5,580 के। अब अगर 18% 5,580 के बराबर है तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए भाग करेंगे 5,580 डिवाइडेड बाय 18%। क्लियर है? अब आपको ये 1% की वैल्यू बन गई, कैलकुलेट मत करो अभी। अब आपको जितने परसेंट की वैल्यू चाहिए वो उतने परसेंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल वोट बताइए, तो टोटल वोट पता करने की जरूरत ही नहीं है, टोटल वोट हमेशा कितना होता है 100%। तो अब अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे टोटल वोट जो आएंगे वो कितने आ जाएंगे, 18 + 54 = 1 कितने, 31। यानी कि उस चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए हैं, 31,000। क्लियर है सभी को? दोस्तों एक बात समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के, स्टेटमेंट पढ़ के आपको एक चीज पे फोकस करना है कि जो वैल्यू संख्याओं में दी गई है पूरे परसेंट का यही रामबाण है। ध्यान रखना कि जो वैल्यू संख्याओं में दी गई है वो वैल्यू कितने परसेंट के बराबर है, हमें क्वेश्चन से ये निकालना होता है। हम ये कैसे सोचेंगे कि यार पहली बार हमारे सामने सवाल आ रहा है, ठीक है, उस क्वेश्चन को हमने पढ़ा, तो हमारा माइंड किस डायरेक्शन में सोचना शुरू करेगा, इस चीज का हम कैसे पता लगाएंगे? तो इस चीज का हिंट दोस्तों यहीं से मिलेगा, है ना। जब ये हिंट मिलेगा तभी तो उस तरफ जाते, किसी का घर भी खोजने जाते हो, रास्ते वगैरह में तुमने कोई चलता फिरता मिल गया, पसंद आ गया, तो फिर उसके घर वर खोजते हो, तो कोई ना कोई हिंट ढूंढते हो, उस तक पहुंचने का नहीं पहुंचने का, चाहे वो हिंट कहीं से मिलता हो। तो ये जो हिंट है ये आपको बताएगा कि आपको क्वेश्चन में किस तरफ चलना है। क्लियर है सभी को? तो ये आपकी डायरेक्शन सोचने की होनी चाहिए, ठीक है। कॉपी करिएगा, अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, फिर 10 सेकंड का समय है आपके पास। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं इसको। वो कह रहा है दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए वोट का 60% प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 से जीत गया, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। दोस्तों जो ये 14,000 लिखा हुआ है हमें इस तरफ चलना है। क्लियर है? आइए, दो कैंडिडेट थे, कह रहे जीतने वाले को मिले हैं 60%, जीतने वाले को 60 है तो हारने वाले को दोस्तों कितने मिलेंगे, 40%। कौन सा जीत गया, 60 वाला, कितने से, 20 से। अब अगर मैं देखना चाहूं तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी है कि उसने बोला है कि 14,000 वोटों से जीत गया, तो अगेन आप क्या बोलोगे 14,000 को, कि 14,000 क्या है, जीतने वाले और हारने वाले का अंतर। अब डायरेक्ट करो, वोटों में संख्याओं में अंतर कितना है, 14,000, मेरे परसेंटेज में अंतर कितना है, 20%, तो 14,000 किसके बराबर है, 20 के, तो दोस्तों 20% से डिवाइड, जो पूछे उससे मल्टीप्लाई। कह रहा है विनर के बताओ, टोटल नहीं पूछे, तो मेरे भाई विनर के कितने हैं, 60, तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई में कितने से करूंगा, 60 से, 20 से काटूंगा 3, तो जो विनर कैंडिडेट है उसको कितने वोट मिल जाएंगे दोस्तों, 42,000। क्लियर है सभी को? कर पाओगे? चलिए कॉपी करिएगा, उल्टा खुलता है। चलिए दोस्तों क्लियर है, चलिए फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन समझना। अब धीरे धीरे देखो सवालों का थोड़ा सा लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना। देखिएगा वो कह रहा है किसी चुनाव में 8%
मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। इस चुनाव में केवल दो ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले उम्मीदवार को मतदाता सूची का, इसको हाईलाइट करना दोस्तों, किसका, मतदाता सूची का 48% प्राप्त हुआ और वह 1100 वोटों से दूसरे को हरा दिया। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, क्लियर है? आइएगा देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि टोटल तो 100% ही वोट डले होंगे, उसने बोला है 8% लोग वोट डालने नहीं गए। अगर मैं रेशियो पे आ जाऊं कि मेरे जो टोटल वोटर थे वो कितने हैं, 100, 8% वोट डालने नहीं गए, 100 का 8% 8 ही आता है, तो कितने गए, 92। यानी कि अगर मैं कास्ट वोट देखूं, डाले गए वोट, तो मेरे डाले गए वोट कितने हैं दोस्तों, 92 रेशो में, क्लियर है? अब अगर मैं यहां से देखना चाहूं कि 92 वोट डाले गए, अब इस 92 में से हार जीत होगी, क्लियर है? 92 में से क्या होगी, हार जीत होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि जीतने वाला जो उम्मीदवार है उसको वोटर लिस्ट का कितना मिला, 48%। वोटर लिस्ट का उसको कितना मिला है, हमारा वोटर लिस्ट का 48%। अब एक बात है दोस्तों समझना, थोड़ा सा पॉइंट आउट करना पड़ेगा। देखो, अगर ये 48% 92 का है, अगर ये 48% 92 का है, तो ये वाला कैंडिडेट कभी जीतेगा ही नहीं, क्योंकि 92 का 48% इसे मिलेगा तो 92 का 52% इसे मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब हारने वाला वोट भी ज्यादा ले रहा और फिर भी हार जाए, ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो 48% है ये किसका है, वोटर लिस्ट का, और वोटर लिस्ट में कितने नाम हैं, 100। अब दोस्तों अगर मैं 100 का 48% निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा, रेशियो में 48 ही आएगा, नहीं आएगा। अब मैं ये कह सकता हूं कि जो 92 मेरे वोट डले थे उनमें से 48 वोट इसको मिल गए रेशो में। जब 48 इसको मिले 92 में से, तो दोस्तों इसके लिए मेरे भाई कितने रह गए, मेरे बोलो कितने रह गए, 44, क्लियर है? अब चेक करके देखो, ये जीतेगा और ये हारेगा। अगर देखना चाहूं इनमें हार जीत का जो अंतर है दोस्तों, तो मेरे भाई वो कितना आ रहा है, 4, क्लियर है? अब आगे पता नहीं क्या बात बोली हो उसने, जो संख्याओं में बात दी है हमें तो उसी को पिकअप करना है। कह रहा है 1100 वोटों से दूसरे को हरा दिया, तो अगर मैं 1100 वोटों से हरा रहा हूं तो 1100 क्या है, अगेन मेरे हार जीत का अंतर। तो अगर दोस्तों मैं यहां देखना चाहूं कि डिफरेंस संख्याओं में कितना है, 1100, और मेरे रेशियो में डिफरेंस कितना है, 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे, हमें क्या चाहिए बोलो, टोटल वोट। टोटल वोट कितने थे, देखो ध्यान से समझना, अगर वोटर लिस्ट पूछेगा तो 100 से होगा, अगर डाले गए वोट पूछता है कास्ट वोट तो वो मेरे कितने, 92, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 92 से। और भी छोड़ो, वो पूछ लिया विनर के बता दो, तो सबका रेशो है हमारे पास में, चलिए टोटल पूछे गए देन मल्टीप्लाई बाय 100, क्लियर है? कैलकुलेट करोगे 4 से काटोगे 25, अब 25 की गुना इधर होगी, तो देखो चीजें थोड़ी सी यूज करो, 25 की गुना 11 में करनी है, 11 का नियम सभी को सिखाया था नंबर सिस्टम के अंदर, तो 5 में 2 जोड़ा 7, और 2 में कुछ जोड़ने के लिए नहीं है तो 2, तो इसका मतलब मेरे जो टोटल वोट हो गए वो मेरे टोटल वोट कितने हो गए, 27,500, क्लियर है सभी को, कर पाओगे आराम से, कोई डाउट? इसी पर एक क्वेश्चन मैं अभी अपनी तरफ से कराऊंगा, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं इसी के ऊपर बेस्ड, आप पहले इसको कॉपी करिएगा, जिससे आपको बहुत अच्छे से चीजें और भी अच्छे से समझ आएंगी। चलिए चेंज मत करना भाई, चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, इन इलेक्शन थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, समझिएगा।
इन इलेक्शन 10% वोटर डिडंट कास्ट देयर वोट विनर गेट 50% ऑफ वोटर लिस्ट। एंड विन बाय 2000 वोट्स फाइंड टोटल वोटर्स। ठीक है, समझ लो, तो वही सवाल है, अच्छे से समझेंगे इसी को भी। हिंदी में बोल देता हूं मैं, एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, जीतने वाले उम्मीदवार ने वोटर लिस्ट का, ये पॉइंट देखो सवाल में मेन, ये टर्निंग पॉइंट है सवाल का, जीतने वाले उम्मीदवार ने वोटर लिस्ट का 50% लिया और 2000 वोटों से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? आइए देखो अगेन, टोटल क्या होगा 100। 100 में से 10 लोग वोट डालने नहीं गए, तो इसका मतलब कितने लोग गए? 90। अब एक बात खुद से सोच के देखो, बहुत आसान से मैंने वो लैंग्वेज लिखवाई है आसान डिजिट के साथ, कि कुछ लोग 50% इसका मान लेते हैं। क्यों मान लेंगे भाई, ये तो डाले गए वोट है। चलो मान भी लो 50 इसको मिलेंगे तो इसको भी 50 मिलेंगे, तो क्या जीत हार जीत हो जाएगी? बोलो, नहीं होगी ना। बस तो इसका मतलब ये वाला जो 50% है, साफ साफ बोल रखा है कि किसका ले रहा है, वो वोटर लिस्ट का। मान लो मैं जैसे अपने पिताजी से कहने देते भाई 50% संपत्ति चाहिए पिताजी की, हमें दो भाई हैं, पड़ोसी की तो नहीं मांग लेते कि भाई उसकी 50%। हम जिसकी 50% की बात करेंगे उसी पे तो 50% कैलकुलेट होगा हमारा। तो आइए, तो ये जो 50% है दोस्तों, ये किसका है? वोटर लिस्ट का। तो इसका मतलब जीतने वाले को 50 मिले। हाँ, डले 90 हैं, जिनमें से 50 इसको मिल गए, तो इसके लिए कितने बचे? 40। इनमें हार जीत का अंतर कितने का आ रहा है? 10 का। हमारी संख्याओं में हार जीत का अंतर कितने का आ रहा है? 2000। तो इसका मतलब 2000 किसके बराबर है दोस्तों? 10 के। तो 10 से डिवाइड, क्या पूछा गया है? टोटल, तो मल्टीप्लाई बाय 100। देन हमारे जो टोटल वोट होंगे वो कितने होंगे दोस्तों? 2000। तो क्लियर है, उम्मीद है यहां तक समझ आया होगा सबको अच्छे से। अब इसको कैलकुलेट करने की गलती तो नहीं करोगे? हाँ, इन केस अगर ये 50% बोलता कि डाले गए वोट का 50% इसको मिला है, तो फिर हम 90 पे बिल्कुल कैलकुलेट करते हैं, वहाँ डिजिट फिर उसी हिसाब से बनेंगे बिल्कुल। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन, जबरदस्त, इसी पे कंसेप्ट के ऊपर। आइएगा दोस्तों, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी चुनाव में 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, 300 वोट अवैध घोषित हो गए। ठीक है, यही है ना, 300 वोट अवैध घोषित हो गए। इस चुनाव में केवल दो ही प्रत्याशी थे, जीतने वाले प्रत्याशी ने मतदाता सूची का 60% प्राप्त किया और 900 वोटों से दूसरे को हरा दिया, तो चुनाव में कुल कितने मत थे? आइए दोस्तों, अच्छा सवाल है, मैं पूरा इसका पहले कंसेप्ट बताऊंगा, फिर तुम्हें थोड़ा सा डायरेक्ट कराऊंगा। ठीक है, समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। मैंने मान लिया कि जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में 100 लोगों का नाम है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, चलिए 100x मान लेता हूँ भी समझाने के लिए।
तो 10x ने वोट नहीं डाले, तो कितने वोट डाले गए, यानी कि 90x। इसको 90x को मैं क्या बोलूंगा, डाले गए वोट या कास्ट वोट। समझना, बहुत अच्छा सवाल है। अब जो भी कैंसिल होंगे वोट, वो इस 90 में से होंगे। उसने कहा 300 कैंसिल हो गए, तो जब दोस्तों 300 कैंसिल होंगे तो जो वैलिड वोट बचेंगे मेरे, वो कितने बचेंगे, 90x माइनस 300। जो वैलिड वोट बचेंगे वो कितने होंगे, वो ये होंगे। हार जीत इनमें से होगी। अब उसने हारने और जीतने वाले की जो जानकारी दी वो क्या दी, देखिए अगेन, अब सवाल वहीं बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जीतने वाले को मतदाता सूची का 60% मिला है, यानी कि अगेन विनर के वोट किस पे बताए गए, मतदाता सूची पे, जिसमें 100 हैं, तो इसका मतलब जीतने वाले को कितने मिले, 60x। अब एक बात बताओ, जीतने वाले को 60x मिल गए, चाहे हमें कैसे पता लगा, पर हमें पता लग गया 60x है। टोटल कितने वैलिड वोट हैं हमारे, 90x माइनस 300। तो हारने वाले के जो वोट बचेंगे, इसमें से इसको घटाऊंगा तभी तो बोलो, तो हारने वाले के जो वोट बचेंगे, अगर इसमें से मैं इसे माइनस करूं, तो 90x में से 60 जाएगा, तो कितना बचेगा दोस्तों, 30x माइनस 300। क्लियर है, कोई डाउट? अब उसने बोला है कि 600 वोटों से वो जीत गया या 600 वोटों से दूसरा हार गया, तो अगेन 600 क्या है, हार जीत का अंतर। अब जब हम इनका अंतर लेंगे तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, 60x माइनस, माइनस की गुना ब्रैकेट में होगी तो 30x माइनस का, माइनस की गुना माइनस में होगी तो ये किस बन जाएगा, प्लस 300। और दोस्तों ये बराबर किसके हो जाएगा मेरा, किसके, 900 के, क्योंकि 900 से है ना, मैं डिजिट चेक कर लेता हूँ, हाँ 900। 60 में से 30 गए तो कितने बचे दोस्तों, 30x। अब देखो, जब हम डायरेक्ट क्वेश्चन को भी पढ़ना सीखेंगे ना, तो यहीं से पॉइंट आपको समझ आएगा। देखो ये 300 उधर जाके माइनस होगा, बोलो माइनस होगा, तो 900 में से 300 घटाऊंगा तो कितना बच गया दोस्तों, 600। जब 30 बराबर 600 के है तो 1x बराबर कितना हो जाएगा, 600। 30 से काटेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 30 दूनी 60, यानी कि 20 के। जो भी वैल्यू चाहिए, टोटल चाहिए तो 100 से गुना कर दो, डाले गए वोट चाहिए तो 90 से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसने वैलिड वोट पूछे, चलो सॉरी वैलिड नहीं, डाले गए वोट पूछे गए, तो दोस्तों डाले गए वोट मेरे कितने हो जाएंगे, 90x। तो इसका मतलब 20 गुना 90 है, यानी कि कितने हो जाएंगे दोस्तों मेरे, 1800। अगर वोटर लिस्ट के नाम पूछता तो कितने, 100 से कर देते, यानी कि वो कितने हो जाते, 200 हो जाते। क्लियर है? बट देखो, इसको जब हम ऐसे लेके चलेंगे तो टाइम टेकिंग रहेगा, ठीक है, 10 सेकेंड है, उतार लीजिएगा आराम से, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी पहले इसको मैं दूसरे तरीके से भी सीखूंगा, हाँ सॉरी। चलिए दोस्तों आइए समझना। अब जो इसका मेन पॉइंट है सवाल का, वो आपको समझ आ गया। अब हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना सीखेंगे, ठीक है। देखिए, वोट लिस्ट में 100 का नाम है, 10 लोग वोट डालने नहीं गए थे, तो इसका मतलब कितने डाले, 90। ये जो 300 कैंसिल हुए ना, आप इसको थोड़ी देर के लिए भी इग्नोर कर दो। आप यही मान लो कि यार वैलिड भी चल 90 ही, हालांकि वैलिड ऐसा है नहीं, 90 माइनस 300, पर इस 300 को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो, ठीक है। अब अगर मैं ये देखना चाहूँ कि जीतने वाले को 60 मिले तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, 30। दोनों का अंतर भी कितना है,
30। अब तक सवालों में क्या होता था कि जो रेशो का अंतर है संख्याओं में अंतर बताया जाता था, बट इतनी बात यहां रट लेना आपको कि आपको जो डिफरेंस यूज करना है, जो भी सवाल में हार जीत का अंतर है उसमें से जो कैंसिल वोट है वो पहले माइनस कर लेने, तो क्वेश्चन बिल्कुल पहले के जैसा बन जाएगा। जो भी सवाल में हार जीत का अंतर है उसमें से जो कैंसिल वोट है वो पहले माइनस कर लो। अब 900 में से अगर मैं 300 माइनस कर दूं तो मेरा हार जीत का अंतर कितना आ गया दोस्तों, 600 आ गया। अब हार जीत का अंतर मेरे रेशो में कितना है, 30, तो 600 किसके बराबर है, 30 के बराबर, तो 30 से डिवाइड, वैलिड पूछे गए तो 90 से मल्टीप्लाई, 30 से काटोगे 3, तो मेरे डाले गए वोट जो हो गए, डाले गए वोट वो मेरे कितने हो गए दोस्तों, 1800। क्लियर है सभी को, कोई डाउट यहां तक, समझ आ रहा होगा सबको बहुत अच्छे से। क्यों किया गया ऐसा, क्योंकि देखो जो प्लस का 300 बन रहा था वो उधर जाके माइनस ही तो होता, इतना ही तो फर्क है, तो मैंने डायरेक्ट ही कर लिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही किसी को भी, कर पाओगे आराम से। चलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराता हूं इसी पे ही, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, समझिएगा। हटा दो उसको, चलो शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ठीक है, सारी चीजें बाकी सब सेम है। टेन परसेंट डेंट कास्ट वोट थ्री हंड्रेड वोट इनवैलिड डिफरेंस इज 1600 एंड विनर 50% ऑफ वोटर लिस्ट। फाइंड टोटल वोटर, ठीक है, देखिए बोल देता हूँ मैं, किसी चुनाव में 10% लोगों ने मतदान अपने वोट का प्रयोग नहीं करा, डाले गए वोटों में से 300 वोट कैंसिल हो गए, जीतने वाले उम्मीदवार ने 50% वोटर लिस्ट का प्राप्त किया और 1600 वोटों से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, ठीक है। अब समझना दोस्तों, बिल्कुल डायरेक्ट करना है, टोटल वोटर कितने हो गए दोस्तों मेरे, 100। टोटल वोटर मेरे जो हैं वो कितने हैं, 100 हैं। 10% लोग वोट डालने नहीं गए तो कितने डालने गए, 90। अब थोड़ी देर के लिए हर चीज इग्नोर कर दो, जीतने वाले को 50% मिला तो हारने वाले को कितना मिलेगा दोस्तों, 40। इसको परसेंट नहीं रेशो बोलेंगे भाई, 100 का 50% 50 होगा, 90 में से 50 इसको मिल गए तो इसके लिए कितने बचे, 40। हार जीत का अंतर मेरे अनुसार कितने का आ रहा है दोस्तों, 10 का। अब ये जो हार जीत का अंतर 10 का है, ये अंतर संख्याओं में वोटों में कितना बताया, 1600, पर हम 1600 यूज नहीं करेंगे, जो भी अंतर दिया जाएगा उसमें से जो वोट कैंसिल हुए पहले वो क्या करेंगे, माइनस। तो इसका मतलब 1600 में से अगर मैं 300 माइनस कर देता हूं तो मेरे कितने बच गए, 1300। आगे आप कर सकते हो, 10 बराबर 1300 के, तो 1 बराबर 1300 बटे 10 टोटल पूछे मल्टीप्लाई बाय 100, कैलकुलेट कर लोगे उम्मीद है। टोटल वोटर मेरे अब दोस्तों कितने हो जाएंगे, 13000। कोई डाउट यहां तक, उम्मीद है इस टाइप का क्वेश्चन अगर बनता है तो आराम से सॉल्व कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
चलिए अब यहां से अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे जिनमें कुल 7500 वोट डाले गए, 7500 वोट डाले गए, इन मतों से 20% अवैध घोषित कर दिए गए। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55 मिला है तो दूसरे को कितने वैध मत प्राप्त हुए। ठीक है, आइए दोस्तों समझते हैं, अच्छा सवाल है ये। देखिएगा अगेन वही बात है कि जो वोटर लिस्ट बनेगी उसमें वोटर कितने होंगे, 100। क्वेश्चन कह रहा है कि 20% अवैध घोषित कर दिए, तो जब 20 इनवैलिड हो गए तो बचे कितने दोस्तों, 80। यानी कि हार जीत किस में से होनी है, 80 में से। ठीक है, अब उसने बोला है विनर को 55% प्राप्त हुए हैं, बट देखो वही पॉइंट आ गया जो बता रहा था। इस बार ये जो 55% विनर बता रहा है, ये 55% किसका है, 80 का। अब अगर ये 55% 80 का है तो 80 पे कैलकुलेट होगा, सीधी सी बात है, क्लियर है सभी को। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ ऐसे लिखना चाहूँ कि 80 का 55% इसको मिला, तो जो मेरा हारने वाला कैंडिडेट है उसको 80 का कितना मिलेगा दोस्तों, 45%। और ये 80 का 45% लेकर क्या होगा, हार जाएगा। इसी के पूछे गए हैं, तो पहले क्या करो, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसका 80% निकालो और 80 का भी कितना आ जाएगा, 45। क्वेश्चन ने बताया था कि टोटल वोट 7500 डले हैं। अब एक बात बताओ, अगर टोटल वोट 7500 हैं तो 7500 का 80% निकालूंगा तो 80/100। ये डाटा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ समझाने के क्वेश्चन इतने पॉइंट पे हल करूंगा सिर्फ। जब 20% कैंसिल हो गए तो 7500 का 80% निकालने के लिए 7500 × 80/100। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 45% इसको मिले और हारने वाले के पूछे गए, तो ये 80% बन गया, तो इसका भी हमें कितना निकालना है, 45, यानी कि 45/100। कैलकुलेट करोगे, 20 से 20 कैंसिल, 25 से 3, 25 से 4, 4 से काटोगे 20। ठीक है, तो जो हारने वाला कैंडिडेट है उसको मेरे भाई कितने वोट मिल जाएंगे, 27। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, तो जो हारने वाला उम्मीदवारों से कितने मिलेंगे, 27%। क्लियर है सभी को, कॉपी करिए इसको, एक और तरीके से बताऊंगा, थोड़ा सा इसमें समझाऊंगा, तब अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों देखो ये डाटा हमें लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन हमें एक सिंगल स्टेप में हल करना है। जब परसेंटेज हर स्टेज पर कैलकुलेट की जाती है, याद करो ये तरीका भी आगे भी जो पिछले क्वेश्चंस पढ़े थे उनमें भी यूज हुआ था, जो पिछले कंसेप्ट हमने पढ़े थे एज उसके, अरे यार किसके पढ़े थे भी हमने भाई, हाँ दिमाग भी चलने लगा मेरा, अरे इनकम वाले जो पढ़े थे यार, हद कर रहे हो तुम भी, इनकम के जो हमने पढ़े थे, ठीक है उनमें थे। यूज कहाँ होता है कि जब हम परसेंट को हर स्टेज पर कैलकुलेट करते हैं तो वहां हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। जैसे 100 का 20% ये, जो बचा उसका 55%, और वैसे ही इसी क्रम में आगे चल सकते हैं। तो हमेशा इसको यूज करो, 20% कैंसिल तो बचा कितना, 80, तो 80/100। हारने वाले के पूछे हैं, हारने वाले का परसेंटेज मेरे को पता है कितना है, 45, तो 45/100 कैलकुलेट करूंगा, मेरा कितना आ जाएगा, 2700 आ जाएगा। तो क्लियर है यहां तक का पॉइंट सभी को। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, आइएगा।
एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मिले, उसमें कुल मतों के 2% अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतदाताओं की संख्या एक लाख 4,000 है, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत डाले गए। ठीक है, आइए, बिल्कुल सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेट करना है हमें और कुछ करना ही नहीं है, और सिंगल स्टेप में हल करेंगे, अब हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना बिल्कुल भी। आइए देखो, टोटल वोट जो है वो कितने हैं हमारे, 1,04,000। ठीक है, वो ये कह रहा है कि 2% अवैध घोषित हो गए। अगर 2% इनवैलिड होंगे तो भाइयों वैलिड कितने होंगे, 98/100, पता है ना, क्योंकि दोनों मिलाकर क्या होते हैं, 100। अगर 2% इनवैलिड है तो 98% क्या होंगे, वैलिड आगे आते हैं। कह रहा है एक जो उम्मीदवार है उसे मिले हैं 55, अगर उस उम्मीदवार को 55 मिले हैं तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे, 45। पूछ किसके रहा है, अब देख लेते हैं। देखो यहां लैंग्वेज में मेंशन नहीं कर रखा कि किसके हैं पर्टिकुलरली, तो हम इसकी लैंग्वेज भाषा से ही समझेंगे। मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ता हूं, एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मिले, उसमें उसमें कुल मतों के 2% अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या ये है तो उस उम्मीदवार के पक्ष में, उस उम्मीदवार यानी कि वो किसकी बात कर रहा है, जो विनर है 55 वाला, यानी कि उसी की। देखो साफ साफ मेंशन नहीं करा, तो ऐसे सवालों में हो सकता है तुम्हें एक से ज्यादा बार इसके, देखो ऑप्शन ऐसे आएंगे, 55 पे कैलकुलेट करोगे तब भी ऑप्शन में आएगा और 45 पे करोगे तब भी ऑप्शन में मिलेगा। तो ऐसे कहीं सवालों में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छे से मेंशन करना, बहुत अच्छे से पढ़ना, ताकि गलती ना हो, वरना टिक करोगे आगे बढ़ोगे फंस जाओगे। ठीक है, इसीलिए कहता हूं कभी भी। आइए तो हमें कितने निकालने हैं, इसके 55%, यानी कि 55/100, कैलकुलेट करना बहुत आसान है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी आंसर आएगा लिख लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है यहां तक कर पाओगे। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, कुल डाले गए मतों के 10% अवैध घोषित कर दिए गए। सफल उम्मीदवार ने वैध मतों का 54% प्राप्त करके 1620 से जीत गया, तो मतदाता सूची में कितने मतदाता थे। देखो बहुत अच्छा सवाल है, और अपने पुराने ही कंसेप्ट पहुंचेंगे जो हमने इनकम वाले उसमें करे थे, बहुत बेहतरीन सवाल है। देखो आइएगा समझना दोस्तों। ठीक है, एक सेकंड, ओके। चलिए देखो, वोटर लिस्ट में जो हमारी वोटर लिस्ट है उसमें 100 लोगों का नाम है। क्वेश्चन कह रहा है कि 50%, 10% वोट डाले नहीं गए, तो 10 नहीं गए तो कितने गए होंगे भाई, 90। यानी कि 90 को मैं क्या कह सकता हूं, डाले गए वोट। हमारे जो डाले गए वोट हैं दोस्तों वो कितने हैं मेरे, 90 है। क्लियर है, अब और आगे बढ़ूं तो 90 में से भी कुछ वोट कैंसिल हो गए, क्या बताएं, 10%। अब देखो 90 का 10%, 10 थोड़ी आएगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर मैं 90 का 10% निकालूंगा तो वो कितना आएगा, 9। चाहो मैं यहां लिख भी सकते हैं, 90 × 10/100, कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 9। तो 9 वोट और कैंसिल हो गए मेरे, तो भाई अब मेरे वैलिड वोट कितने बच गए, 81। यानी कि अगर मैं वैलिड वोटों की बात करूं तो मेरे वैलिड वोट कितने, 81, जिनमें से हार जीत होनी है। अब वैलिड वोटों में से भी क्वेश्चन कह रहा है कि विनर को मिले 54%, और वो 54% किसका है, 81 का ही है, 81 का 54।
जो हारने वाला है उसको मिले 81 का कितने दोस्तों, 46%, 40%। क्लियर है सभी को? बस यहां एक चीज मेजर करो कि क्या यार हर बार परसेंटेज हर स्टेप पे है, ये 10% इस पर, ये 10% इस पर जो कि नया आया है, और ये वाले परसेंट इस पर हर स्टेप पर है, तो क्यों ना हम फिर वही तरीका अपनाएं जो अब से पहले यूज कर रहे थे। यहां वोटर लिस्ट के नाम नहीं दिए, उनको एक्स मान लेते हैं। इसका मतलब देखो और डायरेक्ट करो, ये टेबल मत बनाना कभी भी, इससे कैलकुलेशन में फंसोगे। देखो 81 के बाद एक दो स्टेप और आ जाते ना, कि कुछ मजाक कर रहे थे, कुछ इतने परसेंट मजाक ही कर रहे थे, या कुछ भी है, कुछ भी मेंशन कर दे तो कैलकुलेशन में फंस जाओगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कभी मत डिस्कस करना। क्वेश्चन जो आपको डिस्कस करना है इस तरीके से करना है। दो फायदे, एक तो पुराना कंसेप्ट काम आ गया अपना, हमें एक नई चीज़ नहीं सीखने को है, दूसरी बात कैलकुलेशन बहुत आसान है, तीसरी बात अगर ये भी परसेंटेज थोड़े से टफ आ जाते 11 से 1/9 ये वाले जो अब तब से पहले भी हम पढ़ते थे, ठीक है 9 सही 1/9% या कैसे भी, तो इस कंसेप्ट को क्या यूज कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तो इन सवालों के लिए भी यही कंसेप्ट चलेगा, ठीक है ना? याद आ गया ना इनकम वाला कौन सा कंसेप्ट है ये, जहां पर व्यक्ति अपनी शेष आय में से खर्च करता था हर बार, टोटल पे नहीं, किस पे खर्च करता था, शेष पे। ये क्वेश्चन सारे के सारे बिल्कुल हमारे वही सवाल है। क्लियर है? आते हैं देखो बहुत अच्छे से। जब 10% वोट डालने नहीं गए तो दोस्तों कितने गए होंगे, 90। फ्रैक्शन बनानी है तो 90/100 क्यों लिखे हम सारी चीजें। डाले गए वोट में से 10% और कैंसिल हुआ है, जब 10 कैंसिल हुआ है तो बचेगा कितना, 90, क्योंकि परसेंटेज में दोनों मिलाकर आपस में क्या होते हैं, 100। तो अगेन क्या बना, 90/100, यानी कि इतने वोट डल गए। अब इनमें से होगी हार जीत, इन वोटों का 54% जीतने वाले को, 46% हारने वाले को। अब बात आ गई किसकी बात करें, तो याद रखना जो वैल्यू संख्याओं में दी जाती है लास्ट परसेंट हम उसका यूज करते हैं, या जो वैल्यू पूछी जाती है लास्ट परसेंट उसका। देखो ये बहुत छोटी सी बात है, पर अक्सर जिनका मैथ कमजोर हो बच्चे गलती कर जाते हैं, और टीचर्स वगैरह इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करते, पर हमें बच्चे को उसके माइंड सेट पर ले जाके पढ़ाना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो ये जो लास्ट वाला परसेंटेज लिखोगे, या तो जो डाटा नंबर्स में दिया गया उसके अकॉर्डिंग, या जो डाटा पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग। उसने बताया है कि जीतने वाला 1620 वोटों से जीत गया, तो इसका मतलब ये 1620 मेरे भाई क्या है, 1620 मेरा बोलो, 1620 मेरा क्या है भाइयों, हार जीत का अंतर। 1620 क्या है, हार जीत का अंतर है, ठीक है। तो लास्ट वाला परसेंटेज भी किसका आएगा, अंतर। 54 और 46 का अंतर मेरा कितना बनेगा, कितना बनेगा, 8। तो इसका मतलब लास्ट वाला मेरा परसेंटेज कितना आ जाएगा, 8/100, और ये बराबर किसके होगा, 1620। अब तो कुछ स्थिति पहले जैसी दिखाई दे रही होगी, कैलकुलेशन अब तो आसान हो जाएगी। चलिए बराबर के दोनों तरफ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ जिन्होंने पिछली क्लासेज नहीं ली थी, देखो जब भी बराबर के दोनों तरफ कैलकुलेशन करनी हो तो आमने सामने डिवाइड होती है, मतलब ऊपर वाली संख्याओं से ऊपर वाली संख्या डिवाइड, नीचे वाली संख्याओं से नीचे वाली संख्या। मल्टीप्लाई हमेशा किसकी होती है, क्रॉस, जो बचपन से आपको पता है। देखो 2 जीरो से इस जीरो से ये कट गया, इस जीरो से ये कट गया, ठीक है। और आगे अगर कैलकुलेट करूँ तो 9 की गुना 9 में होगी 81, 81 से कट जाएगा, 81 2 नहीं 2 से कटेगा, 4 से नीचे काट दो 25, आप कुछ बचा नहीं है। 25 की गुना 100 और 0 में होगी, तो इसका मतलब टोटल जो वोट थे वो कितने थे, 25,000। वोटर लिस्ट में जो नाम थे वो कितने थे, 25,000। दोस्तों दो फायदे, बहुत अच्छा है, कैसी भी परसेंटेज आ जाए, कितने मर्जी स्टेप आ जाए, इस क्वेश्चन से हमेशा कामयाब। आसान आए तो परसेंट हल करो जो फर्स्ट क्लास में बताया था, टफ आए तो फ्रैक्शन को यूज करो, बट कंसेप्ट यूज करने का तरीका हमेशा सेम रहेगा, इसके चक्कर में कभी मत आना। क्लियर है? कॉपी करिएगा, एक दो क्वेश्चन और अच्छे अच्छे इस पर प्रैक्टिस कराता हूँ तुरंत ही, अब तब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ेंगे। बिल्कुल चलिए कॉपी करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
चलिए दोस्तों, अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इसमें मतदाता सूची में से 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, कुल डाले गए वोटों का 20% अवैध घोषित हो गए, सफल उम्मीदवार को 60% मिला और 1600 वोटों से जीत गया। ठीक है, चलिए आइए देखो। अब सारा डाटा हम लिखेंगे नहीं, थोड़े से चाहो या स्टेप लिख सकते हैं। 20% लोग वोट डालने नहीं गए तो कितने गए होंगे? 80। 20% कैंसिल हो गया तो बचा कितना होगा? बोलिए, अगेन 80%। कह रहा है जीतने वाले को मिले 60, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 40। दोनों का अंतर कितना होगा? 20। आइएगा, टोटल एक्स मान लिया तो एक्स का कितना? 80%, तो 80/100, फिर से 80%, तो 80/100, लास्ट परसेंट 1620 अंतर है, तो इसका मतलब लास्ट परसेंट भी किसका आएगा? अंतर का ही आएगा, तो इसका मतलब यहां पर कितना आ जाएगा? 20/100, और ये बराबर किसके है दोस्तों? 1620 के। कैलकुलेट कर सकते हो आराम से, बिल्कुल कर सकते हैं जी। 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो अगेन 9 81 और 81 2 162, 2 से काटोगे 10, ठीक है। चलिए तो x की वैल्यू हमारी कितनी बन जाएगी? 10 की गुना इधर होगी 3 0 में, यानी कि हमारे टोटल कितने हो गए? 10,000। ठीक है, कोई डाउट? कर पाओगे आराम से। अब जो अगला सवाल आएगा वो आपको खुद करना है, और मात्र 10 सेकेंड दूंगा मैं उस क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास में, उससे ज़्यादा टाइम नहीं होगा। 10 सेकेंड है, इसको कॉपी कर लीजिएगा, फिर अगला क्वेश्चन देता हूँ। सिर्फ 10 सेकेंड के अंदर आपको पर वो हल करना पड़ेगा। चलिए इसको रफ करते हैं अभी हम, और ये अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, और इसके लिए तुम्हें सिर्फ 10 सेकंड मिलेंगे, और टाइमर लगा के एक्चुअल में 10 सेकंड से ही करना, ठीक है। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। लास्ट, चलिए टाइम अप, ठीक है। कितने लोगों ने किया है कमेंट करके बताओ फटाफट से। चलिए आइए मैं कराता हूं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इसमें मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, डाले गए वोट का 11 से 1/9% कैंसिल हो गए, सफल उम्मीदवार वैध मतों का 75% प्राप्त करके 2000 वोटों से जीत गया। ठीक है, आइए दोस्तों, 10% लोग वोट डालने नहीं गए तो कितने गए? 90। 11 से ही 1/9% इनवैलिड हो गए। देखो फंस गए हम, अगर हम वही इक्वेशन बनाते तो इस क्वेश्चन को करने में बहुत टाइम लग जाता, पर देखो अब नहीं लगेगा, समझ लो। आगे बोल रहा है कि जीतने वाले को मिल रहे हैं 75%, तो जीतने वाले के अगर 75 हैं तो हारने वाले के दोस्तों कितने होंगे? 25, और दोनों का अंतर कितना है? 50। पता है ना क्यों है 50? दोनों का जो अंतर है वो कितना है मेरा? 50। आइए कराता हूँ। एक्स है वोटर, 10 नहीं गए तो कितने जाएंगे? 90/100। देखो 11 से 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/9, मैंने पहले बताया था। जैसे परसेंटेज अपने आप में 100 होता है टोटल, वैसे ही फ्रैक्शन में नीचे वाली संख्या टोटल होती है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अगर 9 वोट डले हैं तो उनमें से कैंसिल कितने हुए हैं? 1। 9 में से
कैंसिल कितने हैं दोस्तों? एक। अगर 9 में से एक कैंसिल हो गया तो मेरे बचे हुए वोट कितने होंगे? 8/9 होंगे या नहीं होंगे? तो इसका मतलब मैं यहाँ क्या यूज करूंगा दोस्तों? 8/9। क्लियर है? आगे तो वही अंतर दे रखा है संख्याओं में, तो ये कितना बनेगा? 50। तो 50/100, और ये बराबर किसके हैं हमारे दोस्तों? 2000। ये बराबर जो है हमारे किसके हैं? 2000 के। कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। देखो, 1 2 1 2, 9 से 9 कैंसिल, 4 2 8, 4 से 25, 5 5 25, 2 से 8 10। अब x की वैल्यू 5×100 में होगी, इसका मतलब इस चुनाव में टोटल कितने वोटर थे मेरे? 5000। क्लियर है? टोटल कितने वोटर थे? 5000। कॉपी करिएगा। चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइएगा, अब देखो मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूं इसके बाद दो क्वेश्चन आपको और दूंगा, वो आपको सिर्फ मिनिमम राइटिंग में करना है, कम से कम लिखना है, ओरली करना है, और उनको मैं कराऊंगा नहीं, वो क्वेश्चन आपको खुद करने होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं, समझिएगा। दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने मत डाले, 2% अवैध घोषित हो गए। एक प्रत्याशी ने 9261 वोट प्राप्त किए जो वैध मतों का 75% थे। तो इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या थोड़ा सा बदला आ गया, इसलिए मैं करा रहा हूँ, समझिएगा। देखो, इसने क्वेश्चन ने सारा डाटा वही दे दिया कि डाले गए वोट कितने हैं, सीधे बता दिए 75% डाले गए वोट, 2% अवैध हो गए, इनवैलिड। तो इनवैलिड कितने हैं? 2%। तो मेरे भाई वैलिड कितने होंगे? सभी को पता है 98%। ठीक है, अब कह रहा है कि एक को मिले 9261 जो वैध मतों का कितना है? 75%, यानी कि विनर को 75%। आइए, मैंने एक्स मान लिया। अब देखो, अब से पहले कहता था कितने लोग वोट डालने नहीं गए, इस बार डायरेक्ट बता दिया कितने गए, तो अच्छी बात है। जो लोग वोट डालने गए हमारा उनसे ही तो मतलब है, जो वोट डालने नहीं जाते उनसे क्या मतलब है। तो एक्स का कितना? 75/100। यहां वही डाटा दिया, 2% कैंसिल, तो वैलिड कितने बचे? 98%। तो 98/100। अब बात करता हूं आगे की, समझना दोस्तों। विनर को मिले हैं 75, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 25। दोनों का अंतर कितना है? 50। बट क्या हर बार अंतर यूज करना है? सवाल ये उठता है। तो नहीं, मैंने क्या बताया था, लास्ट परसेंटेज हम हमेशा उसका लिखेंगे, हमेशा, कि जो वैल्यू संख्याओं में हमें लास्ट में या तो गिवन होगी या हमसे पूछी जाएगी। अब उसने जीतने वाले के बता दिए कि जीतने वाले को 9261 वोट प्राप्त हुए हैं। अब एक बात बताओ, जब जीतने वाले को 9261 वोट प्राप्त हुए हैं, ठीक है, 9261 ये जीतने वाले के हैं, तो लास्ट वाला परसेंटेज भी किसका आएगा? जीतने वाला। बहुत छोटा पॉइंट है, कमजोर बच्चों के लिए खासकर इंपॉर्टेंट है। अब तक वोटों में हर बार अंतर दे रहा था, तो हम लास्ट परसेंट भी क्या लिख रहे थे? अंतर। इस बार जीतने वाले का दे दिया, तो हम लिखेंगे भी किसके का मेरे भाई? जीतने वाले का। जीतने वाले का कितना है? 75। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 75/100। क्लियर है? कैलकुलेट कर सकते हो यार, 1600 के आसपास आएगा, 1600 आएगा। आप इसको कैलकुलेट कर, समझ पाए? गलती होने का चांस सिर्फ यहां, लास्ट में जो वैल्यू दी गई है, लास्ट वाला परसेंटेज हमें हमेशा उसी का ही लिखना है। क्लियर है सभी को? कर पाओगे?
कोई डाउट? चलिए एक क्वेश्चन अब आपको और दे रहा हूं, वो आपको 10 सेकंड के अंदर आंसर करना है, ठीक है? मैं उसको कराऊंगा नहीं, सिर्फ आंसर बोल दूंगा, पर 10 सेकंड ही मिलेंगे, ठीक है? तुम्हारे पास में इसको कॉपी करिए, फिर उस क्वेश्चन को देता हूं आपको। है क्वेश्चन? नहीं। चलिए करिए 10 सेकंड के अंदर फटाफट, फास्ट स्पीड से। फटाफट करिए आंसर, क्या आता है? करिए जल्दी से फास्ट। चलिए बिल्कुल 42,500 आएगा, वही क्वेश्चन है। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। करण नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। लैंग्वेज चुनाव की नहीं है, बस इतना फर्क है। 11,475 रुपये खर्च कर देने के बाद उसे पता चला कि उसे जो पैसा खर्च करना था ये उसका सिर्फ 60% है, तो नताशा का वेतन ज्ञात कीजिए। चलिए करा ही देता हूँ मैं आपको, आइएगा। देखो उसकी इनकम जो भी थी, उसने बोला है कि भाई वो अपनी इनकम का 40% खर्च करेगी, बिल्कुल, तो सॉरी 45%, तो इसका मतलब जो भी उसने खर्चा किया है इनकम का 45, यानी कि उसे इतना रुपया खर्च करना था, पर ये सारा रुपया भी खर्च नहीं हुआ, इसका भी कितना हुआ है? सिर्फ 60%। तो इनटू 60/100, और ये बराबर किसके हो गया? 11,475। अब ये इसके बराबर क्यों है? देखो क्योंकि इतनी इनकम है, इतना पैसे की शॉपिंग करनी थी, अगर सारा खर्च हो जाता तो फिर इसके बराबर था, पर इसका भी खर्च कितना हुआ है? सिर्फ 60%, और रुपयों में खर्च बता दिया कि 11,475। वो ये कह देता कि जो खर्च करना इतने रुपए उसमें से अभी बच गए, तो फिर हम यहाँ किसका लिखते? बचत का परसेंटेज लिखते। कैलकुलेट कर लोगे, 42,500 आएगा आराम से। तो उम्मीद है ये कंसेप्ट आपका पूरा रहा होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। देखो मैंने सभी बच्चों के पास जो अभी इन्फॉर्मेशन ये थी कि मैं पिछली क्लास में बोला था लाइव आऊँगा, मैं 1 से 2 दिन में कंप्लीटली लाइव पढ़ाऊँगा, बट उस लाइव को आप सभी बच्चों को एक साथ इकट्ठे करके लाइव आना होगा, ठीक है? तो एक तो मेरे को लगभग सब कमेंट करके ये बता दो कि उस लाइव की टाइमिंग क्या रखनी है, जिस टाइम पे तुम सब फ्री रहते हो। हम तो मजदूर हैं तुम्हारे, कभी भी आ जाएंगे जब साहब बुलाएंगे, सहनसा तुम हो हमारे, मालिक तुम हो, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि लगभग किस टाइम पर मैं लाइव आऊँ ताकि बच्चों को सारी चीज़ें डिस्कस मैं कर पाऊँ। दूसरा, लाइव का सेटअप और भी मैंने इसलिए लगाया है कि आपको कुछ चीज़ें मुझे डिस्कस करनी है, जैसे दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ रही है उनके लिए, अपकमिंग वैकेंसी के लिए, क्योंकि जो हमारा और तुम्हारा क्लास का इंट्रैक्शन था वो ख़त्म हो गया जब क्लास में डायरेक्टली बात हो जाती थी। अब कम्युनिकेशन क्या है? ऑनलाइन है सिर्फ। तो लाइव में इसलिए भी डेली आया करूँगा, अच्छा मुझे की ताकि मैं तुमसे डिस्कस कर पाऊँ। एक और बात तुम बताओ कि मैं सोच रहा हूँ आधे घंटे में रात को लाइव आया करूँगा, आधा पौना घंटा एक क्लास, तो वो टाइमिंग क्या रखूँ? 10 बजे के बाद की बताना, 10 के 11, जब भी आपको ठीक लगे, 10 से 11 रख लूँ, 11 से 12 रख लूँ, 12 से 1 रख लूँ, या रात को 2 बजे से 3 बजे तक रख लूँ, है बता देना, ठीक है? कमेंट करके 2 चीज़ें ज़रूर बतानी है कि मॉर्निंग की लाइव की टाइमिंग मेरे को क्या है और इवनिंग की लाइव की टाइमिंग क्या है, ठीक है? चलिए थैंक यू वेरी मच।